जिला पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। दरअसल यह मामला रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहरवा तिराहे का है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाइक सवार तीन आरोपी गांजे की खेप लेकर निकलने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर सोहरवा तिराहे के पास पुष्पेन सिंह और उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी तलाशी लेने पर 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 3,000 से अधिक बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटा रही है। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक ने उक्त कार्यवाही के संबंध में क्या जानकारी दी है। नशे के विरुद्ध इस व्यापक अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उसी क्रम में थाना जने में कल सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के गांजा लेकर आ रहे हैं। 2 किलो 200 ग्राम गांजे की मात्रा पुलिस ने जब्त की है, प्रकरण जब्त किया गया है, प्रकरण दर्ज किया गया है। दो आरोपी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। उन सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की जा रही है कि सोर्सेस क्या है, उनका ओरिजिन क्या था, कहाँ से लेकर आए थे, किस रेट में लेकर आए थे, इस पर अभी हमारी कार्रवाई जारी है। पुलिस हेल्पलाइन का लगातार मैं देख रहा हूँ प्रचलन में आने के कारण लोग आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और इस कारण से नंबर का प्रचार प्रसार हमने और बढ़ाया भी है, जिससे कि अधिकतम लोगों तक पहुंचे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर में आना पड़े मिलने के लिए, बात करने के लिए, और मात्र व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से सूचनाएं उन तक दे दें। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।